सभी बहन भाइयों से बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाएं। ओम शांति। आज एक विशेष टॉपिक पर बाबा का इशारा मिला है मुझे। लोग धन से बहुत बेचैन हैं। किसी के पास अथाह धन है तो किसी के पास कौड़ी भी नहीं है। तो ये योग है, जिनके पास कम है उसको बढ़ाने के लिए, जिनके पास नहीं है और उसको बढ़ाने के लिए, और जिनके पास है उसको अच्छी तरह से यूज करें। तो योग करते हैं। ये धन लक्ष्मी प्राप्ति का जो योग है उसको आप सुबह करें और रात को सोते वक्त करें। करना क्या है उसमें वो हम आपको बताते हैं पहले, फिर 2 मिनट बैठेंगे किस तरह से करना है। सुबह आप नहा सकते हैं, यदि बॉडी ठीक है, आपका स्वस्थ है तो नहा करके आप बैठिए। बैठने के बाद आसन पूर्व की ओर मुंह होना चाहिए तुम्हारा, और दोनों हथेलियां आपस में एक हथेली के ऊपर एक हथेली रखी हुई हो, और आप पालती सुखासन कहें जिसे, उसमें आप बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, उसमें आवाहन करेंगे हम लक्ष्मी का, जो भगवान शिव बाबा की 10 महाशक्तियों में से एक शक्ति है लक्ष्मी, उसका हम आवाहन करेंगे। वैसे तो आवाहन करने के मंत्र सिद्धि भी है, मैं वो यहाँ पर नहीं बता सकता आपको किस तरह से करते हैं, बस योग की मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। हाँ, यदि आप चाहते हैं मंत्र सिद्धि तो मैं उसको पर्सनली बता सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। और उससे धन प्राप्त तो होता ही है, और एक्स्ट्रा जो धन का खर्चा होता है हमारे जीवन में, अनायास हमारे जीवन में व्याधियाँ आती हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे अभौतिक हो, अभौतिक मानसिक वो भी बीमारियाँ जो अचानक आ जाती हैं, जिसे हम कहें शक्ति के रूप में हमारे घर पे डेरा डाले हैं, जैसे कहते हैं कि शनि का चक्कर है ये वो दुनिया का, तो उन सभी का मंत्र सिद्धि भी है। और एक साधारण में यहाँ पर योग की चर्चा करूँगा आपसे, जिसे आप 21 दिन लगातार फॉलो करते हैं तो आप आसानी से धन की बरसात अपने घर में, सोर्स हैं आपके जो इनकम के वो बढ़ जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि धन तो बहुत है हमारे पास, आता भी बहुत है, लेकिन फालतू के कामों में बहुत जाता है, वो रुक जाएगा। तो चलते हैं उसकी साधना कैसे करनी है, कैसे बैठते हैं। तो आप नहा धो करके, और हो सके तो आप खुशबू एक अगरबत्ती जला सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा वायुमंडल खुशनुमा हो, क्योंकि आप लक्ष्मी का आवाहन करने जा रहे हैं। तो अगरबत्ती जला करके आप बैठ सकते हैं, और सुखासन हो, और आसन कपड़े का हो सकता है, या फिर आप किसी चेयर पर बैठ सकते हैं जो बहुत नीची हो, ऊँची ना हो, पालती मीट पर जिसके पे बैठ सकें।
तो चलिए महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो मैं अभी आपको बोल के सुनाऊंगा, लेकिन आपको ये बोलना नहीं है, आप अपने मन में ही इस बात को दोहराएंगे। जो भी अब योग का मैं 2 मिनट आपसे चर्चा करूंगा, उसको अपने मन में ही दोहराएं, बोले नहीं जब योग करें। मैं आपको बोल के सुना रहा हूं। आंखें अपनी बंद कर लें, अंतर ध्यान हो जाएं और आवाहन करें, हे परमपिता परमेश्वर, हे अनंता आदि मंगलमय महाशिव, आपकी एक शक्ति लक्ष्मी का मैं आवाहन करता हूँ। वो आए और आके मेरे घर में विराजे, आप माँ लक्ष्मी को भगवान शिव से निकलते हुए आप जो भी महालक्ष्मी का रूप जानते हैं उस रूप को निहारते हुए अपने पास आते हुए महसूस करें। गुणों का भंडार वो माँ लक्ष्मी, वो अनंत अनंत सागर की देवी, प्यार की देवी, धन की देवी मेरे पास आती जा रही है। देखें उनको, वो एक लाइट के कार में माँ को अपने पास बुलाएं। लक्ष्मी माँ जो मेरे करीब आते हुए मेरे निकट आ गई हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, अंतर चश्चु से उनको निहार रहा हूँ, थर्ड आई से अपने माँ को निहार रहा हूँ। माँ को देखें, माँ से विनती करें, हे माँ, इस याचक पर, इस बच्चे पर अपनी करुणा बरसाएं। देखें अपने को उस माँ के शरीर से वो किरणें, धन की किरणें निकलती हुई मेरे मस्तिष्क में समा रही हैं। महसूस करें, माँ को अपने पास एक आसन दें और बिठा लें। आप और माँ आपस में बातें करें। आखिर माँ एक बच्चे का दर्द निवारक नहीं हो सकती क्या? माँ होती ही माँ है, माँ तो माँ है, वो दर्द भी मिटाएगी,
खुशी से हमारा भंडारा भी भरेगी उस माँ को महसूस करें, देखें अपने अंदर, अपने पास उसको देखें। माँ, 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 धन की वर्षा करो। ये 7 बार बोलेंगे, धन की वर्षा करो, धन की वर्षा करो, इस तरह से 7 बार बोलें। महसूस करें कि खजाना भरपूर हो गया है, भंडार भर गया है। महसूस करें उस परमपिता परमेश्वर की लक्ष्मी माँ को देखें। और अपने मन और बुद्धि से माँ को, अपने घर की उस बैग तिजोरी कुंजी के पास ले जाएं, जहां धन आप रखते हैं, पर्स में ले जाएं, माँ को सामने पर्स रखें। और माँ हाथ उठाती है और अपने हाथों से धन की वर्षा उस पर्स में, उस कुंजी में, उस तिजोरी में करती है। उसको देखें और अपने घर में, पूरे घर में माँ को घुमाएं। माँ के कदम जहाँ बढ़ेंगे वो जमी पावन बन जाएगी। लौट आए अपने आसन पर, धीरे से माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करें और देखें माँ को अपने से दूर जाता हुए। माँ के कुछ दूरी तक साथ जाएं, फिर माँ को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए महसूस करें, रुक जाएं, देखें माँ को जाते हुए। ये अभ्यास आप सुबह बैठ के सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट करें, शाम को 7 मिनट करें, सोते वक्त 7 मिनट करें, और हो सके तो घर में घी का दीपक जरूर जलाएं। पूजा की अलमारी है अति सुंदर नहीं है तो माँ का जब आवाहन करें तो घर में, अपने कमरे में एक घी का दीपक जरूर जला लें। और आप इसको 21 दिन तक सतत करें, पूर्ण श्रद्धा से करें, फिर आप देखेंगे कि आप पर कैसे वर्षा होने लगी माँ की। और जिन भाइयों को मंत्र भी चाहते हैं, मंत्र सिद्धि हो, धन लक्ष्मी और वर्षा हो, तो मंत्रों के साथ भी माँ का आवाहन कर सकते हैं। वो YouTube पर नहीं हो सकता है तो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, आप चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको वो सिद्धि जरूर बताई जाएगी। ओम शांति।